एवरीवन, आज मैं आप लोग के साथ हेड टू टो स्किन केयर यानी कि वीकली स्किन केयर रूटीन शेयर करूंगी। शुरुआत करेंगे हम स्किन केयर से। आप लोग के साथ एक फेस पैक शेयर कर रही हूँ जो कि मानसून एंड समर के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। हमें लेना है मुल्तानी मिट्टी एंड रॉ मिल्क। बस दो चीज़ चाहिए। 1 स्पून लेंगे मुल्तानी मिट्टी, 2 स्पून रॉ मिल्क ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे एंड इसे अप्लाई करेंगे। मानसून सीज़न में हमारी स्किन कितनी भी ड्राई हो, वो स्वेटी हो ही जाती है, पिंपल्स होने लगते हैं। कोई भी फेस पैक अप्लाई करने से पहले हम अपने फेस को वॉश करते हैं, देन उसके बाद फेस पैक अप्लाई करते हैं। बस मैंने इसे मिक्स किया एंड इसे हम अप्लाई करेंगे। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप इस पैक को बिल्कुल ड्राई मत होने दीजिएगा। उससे पहले ही आप हल्का सा वाटर की हेल्प से रब करके, मसाज करके इसे वॉश कर लीजिएगा। एंड अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप प्रॉपर 10 मिनट्स बाद इसको वॉश कीजिएगा। आपकी स्किन बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। एंड अब हम अपने हेयर की केयर करेंगे, जिसके लिए हमें चाहिए आमला रीठा शिका काई। इसके बेनिफिट्स शब्दों में बयां नहीं किए जा सकते, इतने ज़्यादा बेनिफिशियल हैं ये हमारे हेयर्स के लिए। तो बस इसे प्रिपेयर करके आप रख भी सकते हैं बड़े आराम से। आप जब भी मन करे आप यूज़ कर सकते हैं। 2 टाइम्स वीक में आप वीक 15 दिन तक 20 दिन तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो बस आपको इसे लोहे की कढ़ाई में भिगोना होगा नाइट के लिए, या 3 से 4 घंटे के लिए भी आप भिगो सकते हैं। उसके बाद आप इसे सुबह गैस पे रखेंगे, 30 मिनट्स तक इस पानी को पकाएंगे एंड इस पानी को छान लेंगे अच्छे से। आप इसे मैश कर लीजिएगा, पन्नी लगा लीजिएगा हाथ में, नहीं भी लगाएंगे तो आप नींबू से क्लीन कर लेंगे तो आपके हैंड क्लीन हो जाएंगे। एंड इस पानी को आपको अपने हेड में कॉटन की हेल्प से पूरे हेयर्स में लगाने हैं। वैसे मैंने इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाई है, हिना के साथ इसका एप्लीकेशन किया है, बट अगर आप वीक में अप्लाई करना चाहते हैं कि वीक पे, तो आप हिना नहीं अप्लाई कीजिएगा, तो आप इसका वाटर अप्लाई कीजिएगा। वो ज़्यादा ईजी होगा एंड बेनिफिशियल होगा। तो बस इस वाटर को आपको कॉटन की हेल्प से पूरे हेयर में लगाना है। अगर आपकी हेयर ग्रोथ नहीं हो रही, आपके हेयर सिल्की नहीं है, शाइनी नहीं है, वाइट हेयर की प्रॉब्लम है, ग्रे हेयर की प्रॉब्लम है, हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है, हेयर से कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी, आप इस वाटर को अप्लाई करेंगे तो आपके हेयर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। तो बस अप्लाई करना है, इसका वाटर ड्रिप होता रहता है, तो आप एक कैप ऐसे अप्लाई कर सकते हैं, आप पन्नी लगा सकते हैं और उसके बाद 1 घंटे बाद आपको हेयर को वॉश कर लेना है। एंड अब हम करेंगे अपने हैंड की केयर, जिसके लिए आपको चाहिए थोड़ा सा वार्म वाटर। उसको आपको लेना है एंड उसमें आपको ऐड करना है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा ब्लैकनेस को रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एंड लेमन लेना है, लेमन भी आपकी स्किन को लाइटन करता है। आपके हैंड में अगर ब्लैकनेस होगी तो वो इससे रिमूव हो जाएगी। आप हल्का सा गर्म पानी ले लीजिएगा, इससे आपने पूरे नेल्स की केयर करेंगे और अपने हैंड की केयर करेंगे। तो बस आपको इसमें डिप करना है अपने हैंड को एंड नींबू की हेल्प से आप अपने नेल्स को क्लीन कर सकते हैं। एंड ये केयर मैं इसलिए नहीं कर रही यहाँ पे जो मैंने वाटर अप्लाई किया था, वरना आप सोचिए कि इतना ज़्यादा टफ है हैंड, इतना क्लीन करना पड़ेगा तो क्यों करूं। आप डायरेक्ट नींबू से भी अपने हैंड को क्लीन कर लेंगे तो क्लीन हो जाएगा। ये इतना वीकली शेयर कर रही हूँ तो इसलिए मैंने हैंड फिट सारी चीज़ें एक तरीके से आप समझ लीजिए कि पेडिक्योर मैनिक्योर टाइप का, तो इसलिए मैंने यहाँ पे शेयर किया। आपको इस तरीके से 10 मिनट्स तक अपने हैंड को वाटर में डिप करके नींबू से क्लीन करना है एंड उसके बाद आप कोई ना कोई मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लीजिएगा, उससे आपकी स्किन बहुत अच्छी रहेगी। एंड उसके बाद हम अपने नेल्स को क्लीन करेंगे, नेल्स को कट करेंगे। आपको हमेशा अपने नेल्स पे, अगर आप नेल पेंट अप्लाई करके रखते हैं, अपने नेल्स की केयर करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। इस मामले में मैं खुद को बता दूँ कि मैं खुद भी नहीं कर पाती यार, मैं सारी केयर कर लेती हूँ बट मैं नेल पेंट के मामले में बिल्कुल बिल्कुल आलसी हूँ, मैं नहीं अप्लाई कर पाती। तो बस आपको अपने नेल्स को कट करना है, सेट करना है एंड आप कोई ना कोई नेल पेंट अप्लाई करके रखेंगे तो आपके नेल्स बहुत अच्छे लगेंगे। एंड अब अपने करेंगे फिट की केयर। एक तरीके से ये हमारा पूरा वीकली पैम्पर रूटीन हो गया। तो आपको बस गर्म पानी लेना है, इसमें भी आपको ऐड करना है लेमन, ऐड करना है शैम्पू, ऐड करना है बेकिंग सोडा, ऐड कर लीजिएगा एंड इसमें अपने फिट को आप डिप करके रखिएगा एंड इस वाटर नींबू की हेल्प से आप अपने फिट को क्लीन करते जाइएगा। मैं किसी स्क्रबर टाइप की चीज़ों से अपने फिट को नहीं रगड़ती क्योंकि मेरी हील्स थोड़ी सी ज़्यादा क्रैक होने लगती हैं, इसलिए मैं इसे नहीं करती। तो अगर आपको भी क्रैक हील की प्रॉब्लम है तो आप इस तरीके से लेमन से अपने फिट को क्लीन कर लीजिएगा। उसके बाद आप कोई ना कोई मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लीजिएगा। अगर क्रैक हील की प्रॉब्लम है तो आप हमेशा से, मैं यूज़ करती हूँ ग्लिसरीन, आप ग्लिसरीन अप्लाई कर लीजिए।
नहीं तो आप, मैं यूज़ करती हूँ पतंजलि की फिट क्रीम जो होती है, क्रैक क्रीम, आप उससे अप्लाई कर लीजिए, वो भी बहुत बेस्ट होती है आपकी क्रैक हील के लिए। एंड इसे आपको करना है जब आप रेस्ट करने जाते हैं, तो इस केयर को करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा चलना फिरना नहीं है, तो आप इसे नाइट में करिए, या तो फिर अगर आप डे में रेस्ट करने जा रहे हैं तो आप इस केयर को कर सकते हैं। एंड आइए अब हम देखते हैं कि हम नेचुरली कैसे ब्यूटीफुल लग सकते हैं। इयररिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप इयररिंग कोई ना कोई ज़रूर ट्राई किया करिए, इयररिंग ट्राई करिए। एंड लिपस्टिक, हल्की सी लिपस्टिक लगा लीजिए, नहीं लगाना चाहते तो आप लिप बाम भी लगा सकते हैं, बट लिपस्टिक अच्छी लगती है तो आप थोड़ी सी लिपस्टिक लगा सकते हैं बिल्कुल लाइट शेड में। एंड कोई भी क्रीम आप अप्लाई कर सकते हैं या तो फिर सिर्फ कॉम्पैक्ट अप्लाई कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कि जब आपके अंदर से बहुत ही अच्छी सी फ्रेग्रेंस आती रहती है, तो एक अलग सा कॉन्फिडेंस रहता है। बस इतना ही करना है आपको एंड आप नेचुरली बहुत ब्यूटीफुल लगेंगे विदाउट मेकअप। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय।